अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। गवर्नर साहब ने एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए सुनाई है कि जिन जिन दोस्तों ने टेस्ट नहीं दिया या वो किसी वजह से टेस्ट में अपीयर नहीं हो सके, वो किसी वजह से पहुंच नहीं सके यानी कि टेस्ट में अपीयर नहीं हो सके, उनके लिए गवर्नर साहब ने एक और अनाउंसमेंट की है कि वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। गवर्नर साहब ने इसके अनाउंसमेंट जो है वो अपने चैनल यूट्यूब पर एक वीडियो में अनाउंस किया है। इनका यूट्यूब चैनल आप अगर खोलेंगे तो ये आपके सामने जो वीडियो आ रही है वो आप अगर ये फुल कंप्लीट सुनेंगे, उसमें गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो है दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और इनकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको गूगल पर ले जाएगा, इनकी वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर आप लोग दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। लेकिन एक और बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन दोस्तों के जो रोल नंबर है वो 3,70,000 से पहले, यहाँ पर लेस देन की जो साइन आपके सामने शो हो रही है, इसका मतलब है कि जिन दोस्तों के रोल नंबर जो है 3,70,000 से पहले आते हैं वही लोग यानी कि फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि दोबारा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक दो दिन के बाद जो है वो 3,70,000 के बाद जिनके टेस्ट मिस हो गए हैं उनके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी होगी, लेकिन फ़िलहाल गवर्नर साहब ने जो है वो 3,70,000 से यानी कि पहले जिनके रोल नंबर हैं और उनके टेस्ट मिस हो गए हैं वो लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट के लिए गवर्नर हाउस आ सकते हैं। तो इसलिए सब दोस्त जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि उनका टेस्ट भी जल्दी हो सके। आज ही से अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाएं ताकि आप लोगों को से जल्दी ईमेल आ सके। और फिर 2-3 दिन के बाद 14 अगस्त भी आ रही है, हो सकता है आपका टेस्ट जो है वो 14 अगस्त से पहले हो जाए, हो सकता है आपको जो है 14 अगस्त के बाद ईमेल आए। उसके बाद दोबारा से आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो ही शो होगा स्क्रीन पर, और आप लोगों को उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आप लोगों को एक पिक उस पर पेस्ट करनी है, और वही एडमिट कार्ड आप लोगों को जो है वो टेस्ट में अपियर होने के लिए साथ लेके जाना है। एक CNIC ओरिजिनल एडमिट कार्ड, CNIC ओरिजिनल, एक क्लिप बोर्ड, बॉल पेन वगैरह जो भी मेंशन किए हुए हैं ये सब लेके जाना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और IT कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।